राम राम, सत श्री अकाल सारे भाइयों भाई। आपके अपने YouTube चैनल सुखबीर डांडा डेयरी फार्म में आप सब भाइयों का स्वागत है। जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं या वीडियो को देख पा रहे हैं, वो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में लगे घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को मिलता रहे। आज आप सब भाइयों को एक दूसरे ब्यांत की झोटी दिखाई जा रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं भाई का एड्रेस आपको कन्फर्म कराना चाहता हूँ। भाई का नाम है गुरिंदर और इनका गांव है नथाणा, जो बठिंडा के नज़दीक है। और इनके पास ये एक झोटी है जो दूसरे ब्यांत की है। जैसा भाई ने बताया भाई, दूसरे ब्यांत की है। वीडियो टाइम पर ये दूसरे ब्यांत बच्चा देने वाली थी और वीडियो के लास्ट तक मैं दिखाऊंगा कि भाई इसने बच्चा दे दिया है। भाई कई वीडियो में देखता हूं भाई, बिग अडर की बातें होती हैं। देखो अडर तो ये होता है जो एक एचएफ गाय की तरह है, एचएफ गाय की तरह टाइट सा अडर है चिपका हुआ, और जो थन है वो एक नंबर क्वालिटी का लग गया हुआ है, मुठिया थन है। और अडर इतना जगह, अगर भैंस में एक माइनस पॉइंट देखते हैं तो वो पूंछ का है। हम इसको मुरा नहीं कहेंगे, ना इसको नीली रावी कह सकते, मानो मिक्स है। और कई बार मिक्स ब्रीड की भैंसें भाई दूध पे बहुत अच्छा टारगेट सेट करते हैं, तो भैंस से उम्मीद भाई को बहुत अच्छी है। और भाई ने जैसा भी बताया कि भाई इस भैंस ने पहले ब्यांत में 20 किलो दूध दिया है। देखो मैं सत्यापित नहीं कर रहा, जैसा भाई ने बताया और अडर को देखते हुए तो कह सकते हैं कि भाई 20 नहीं, इसने 22 भी दिया होगा। जो अडर की क्वालिटी है वो, अगर जो थनों का साइज देखें, थन एक नंबर के मुठिया थन लगे हुए हैं, मानो कभी भी ना बीमारी आने वाला थन है। जो वो उसमें जिस तरह लंबा थन हो जाए, कई बार दाब में आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो मुठिया थन में भाई कोई बीमारी आने का भय नहीं रहता। और जो आगे पीछे वाले थनों का गैप है वो आप देख ही रहे हैं वीडियो में, और पीछे से पीछे वालों का गैप, कई भैंसे मानो शारीरिक सुंदरता तो हो जाए है, कईयों को ऑर्डर नहीं मिलता। अगर ऑर्डर मिल गया तो उनका थनों का जो गैप है वो कम ज़्यादा मिलेगा, या अडर बांगा टेढ़ा मिलेगा। इस भैंस झोटी का जो अडर है वो बहुत ही अच्छा है। बाकी जो भाई लेने का इच्छुक है, वो भाई का नंबर मैं आपको डाल दूंगा, इनसे संपर्क कर सकता है। भाई को उम्मीद तो भाई ने मेरे को बताया भाई भैंस दूध तो 23-24 किलो देगी, बाकी मौके की बातें होती है। सभी जो बातें भाई ने बताई, देखो घर पे जाकर तो कोई भाई दूध भी नहीं देख सकता, या ताज़ा ब्याह पशु है, जब वीडियो डाली उस टाइम पे प्रेग्नेंट था, उसके बाद इसने बच्चे को जन्म दे दिया। भाई ने बताया कि भाई ये खाली होने के बाद, जब ये खींच से खाली हुई, उसमें खींच से खाली होने के बाद इसने 12-13 किलो दूध दिया है। जैसी मेरी आज सुबह बात हुई भाई से, तो 12-13 किलो दूध दिया है इसने खाली होते ही, तो उम्मीद कर सकते हैं भाई अच्छे दूध पर जाएगी। और कुछ आइडिया, देखो वो दूध निकालने पे लग जाएगा। आप जो भाई लेने का इच्छुक है वो भाई के नंबर पे संपर्क करें और पशु को जाकर देखें। अगर जो इसी वीडियो की बात करें जो मैंने अभी डाली, साथ में ज्वाइंट की है, ये ब्याने के बाद की वीडियो है, आप देख सकते हैं ऑर्डर पर बड़ी उभरी हुई नसें हैं, जो एक दुधारू पशु की पहचान है पूरी तरह से। अगर ऑर्डर की बात करें, ये पीछे चाहे पाँव पर पाँव टेक के ऊपर चढ़ने वाली बात बोल दिया करें, नहीं वो ऐसा ऑर्डर है, बहुत ही सटीक अडर है। चुड़ाई देख लो, एक पांड सी बांध रही भाई लोटे की। तो वीडियो में देखते हैं कि भाई बिग अडर की, ये होता है बिग अडर, देखो इस टाइप का। इसने एक सुंदर सी फीमेल काफ को जन्म दिया हुआ है, और फीमेल काफ की भी पूंछ देखो ज़्यादा वाइट है, मानो अपनी माँ पे ही गई है। और भाई का नंबर डाल दिया, गाँव पता दे दिया। भाई जो भाई लेने का इच्छुक हो, अपना 2-3 टाइम दूध निकाल कर ले। वीडियो डालना एक आप माध्यम है यूट्यूब पर, जो भाई लेने का इच्छुक हो इनसे संपर्क करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सब भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद है जी।